हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये क्यूट सा बैकपैक। ये स्मॉल बैकपैक है किड्स के लिए। आप चाहे तो आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं अडल्ट्स के लिए। अगर आपको बड़े बैकपैक का मेजरमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बैग बनाने के लिए हमें चाहिए पिंक कलर के ऊन के 2 रोल्स, वाइट कलर के ऊन के 2 रोल्स, 4 mm क्रोशेट हुक और सीजर। सबसे पहले हम पिंक कलर के ऊन के दोनों बॉल्स लेंगे और उसे इस तरह एक साथ लेकर उसमें एक नॉट बांधेंगे। फिर हम इसके में चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें टोटल 22 चेन्स बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22। अभी हम इस तारीख के जो हमारी 3rd चेन से उसको स्किप करेंगे और फिर 4th चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन एंड टू। अभी हम आगे के सारी चेन्स में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे हमारी लास्ट चेन, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में 1st चेन थी उस तक। ओके, तो मैं आपको ये लाइन की एंड में मिलती हूँ। ओके, तो ये रही हमारी 1st चेन। इसमें हम बनाएंगे टोटल 6 डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 6। अभी हम अगेन दोनों साइड में ये साइड में भी हर एक चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे हमारे स्टार्टिंग तक, लास्ट चेन तक। तो मैं आपसे ये लाइन की एंडिंग में मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ हमारी पहले से 2 डबल क्रोशे की लाइन है और तीसरी जो हमारी चेन 3 की लाइन थी हम उसे भी काउंट करेंगे। तो हमारे पास इधर 3 स्टिचेस ऑलरेडी मौजूद है, तो अभी हम इधर और 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे ये चेन में। तो हमारी हो जाएंगी टोटल 6 डबल क्रोशे जैसा हमने अपोजिट साइड में बनाया था। ओके, 1, 2 एंड ये लास्ट 3। अभी हम हमारी इस लाइन को एंड कर देंगे।
अभी हम हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे चेन टू से। अभी हम हमारे फर्स्ट चेन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें नेक्स्ट चेन में भी हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 17 चेन्स तक। ओके, तो जो हमारे दो डबल क्रोशेट हुए थे उसके बाद हमारे पास टोटल 17 डबल क्रोशे सिंगल डबल मतलब एक डबल क्रोशेट एक चेन में रहेगा। तो मैं आपसे ये लाइन के एंड में मिलती हूँ 17 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो हमारे डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए 17। अभी हम यहाँ पे कहाँ पहुँचे, जो हमारी लास्ट रो में हमने 6 स्टिचेस बनाए थे हम वहाँ पहुँचे। अभी हम वो 6 स्टिचेस में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे, हर एक चेन में दो डबल क्रोशे। तो हमारे पास इस यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशे रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and last 12। अभी हम फिर से ये लाइन में डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 17 स्टिचेस। ओके, तो मैं आपसे 17 डबल क्रोशे बनाने के बाद मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी 17 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो हमारी चार चेन्स बची है उसमें हम दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 एंड 8।
अभी हम हमारी लाइन को एंड कर देंगे। हमने हमारी लाइन के स्टार्ट में 4 डबल क्रोशे बनाए थे 2 स्टिचेस में, तो उन चारों को काउंट करके हमारे पास इस साइड भी टोटल 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। ओके अभी हम हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे 2 चेन से। तो ये हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 3rd रो स्टार्ट करेंगे। अभी हम हमारी जो फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो फर्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट चेन में हम 1 ही डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे। जब हमारे 2 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, 2 डबल क्रोशेट और 1 डबल क्रोशेट के, यानी टोटल जब हमारे 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम फिर से नेक्स्ट 17 स्टिचेस में 1-1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ओके तो मैं आपसे इस रो के एंडिंग में मिलती हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग 17 डबल क्रोशे। ओके तो अभी हम हमारी नेक्स्ट रो का इंक्रीज चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लास्ट रो में थे टोटल 12 स्टिचेस, तो इसमें हम कैसे करेंगे, पहले स्टार्ट में 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा पहला 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो इस साइड हमारे इंक्रीज के जो साइड रहेंगे ना, उसमें हमारा टोटल रहेंगे 18 डबल क्रोशे। दो डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, एक दो, अगेन नेक्स्ट स्टिच में 1, फिर 2 डबल क्रोशे। तो हम ऐसे टोटल 6 सेट्स बनाएंगे। तो जब हम स्टार्ट डबल क्रोशे से करेंगे, 2 डबल क्रोशे से करेंगे, तो हमारी ये सेट का एंडिंग 1 डबल क्रोशे पर होगा। ओके डबल 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे। तो अभी हमारे यहाँ पे 6 सेट कंप्लीट करने के बाद हम 1-1 डबल क्रोशे हर चेन में बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट 18 चेन्स। ओके तो फिर मैं आपसे 18 डबल क्रोशे बनाने के बाद मिलती हूँ। वन टू थ्री ओके तो अभी हमारे 18 डबल क्रोशे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम फिर से 2 डबल क्रोशे एक चेन में, फिर 1 डबल क्रोशे एक चेन में, ऐसा सेट बनाना शुरू करेंगे। 4 सेट ऐसे बनाएंगे। हमने रो के स्टार्ट में 2 सेट कंप्लीट कर लिए थे, तो रो के एंड में हम 4 सेट कंप्लीट करेंगे।
पहली चेन में दो डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, फिर दो डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंक्रीज। 1 2 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2 1 एंड 2, फिर अगेन 1, फिर 1 एंड 2, फिर अगेन 1। फिर अब हमारी 3 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा लास्ट सेट भी कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड ये रहा हमारा लास्ट 1। अब हम हमारी इस लाइन को एंड कर देंगे। अब हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे चेन 2 से। इस रो में हम हमारी फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली चेन में हमारे आएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। नेक्स्ट में आएगा 1, फिर से नेक्स्ट चेन में आएगा 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में आएंगे 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 चेन में आएगा 1-1 डबल क्रोशे। एक और ये एक। अभी हमारे 2 सेट कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट 17 चेन्स में 1-1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं आपसे 17 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा इंक्रीज का सेट चालू करेंगे। पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन में 1-1 डबल क्रोशे। तो ऐसे हमारे टोटल 6 सेट्स बनेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद वाली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशे। फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे। हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए। अब हम हमारा थर्ड सेट स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 डबल क्रोशे से। एक डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, अगेन नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे,
फिर एक डबल क्रोशे, फिर अगेन दो डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे और फिर एक डबल क्रोशे। तो यहाँ पे हमारे 6 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम हमारी नेक्स्ट 17 चेन्स में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ओके, ये जो हमारे दो डबल क्रोशे थे ना, एक एक सिंगल, उसको छोड़ के नेक्स्ट 17 चेन्स में बनाने का। ओके, तो मैं आपसे ये रो की एंडिंग में जब 17 डबल क्रोशे हो जाएंगे उसके बाद मिलती हूँ। ओके, तो हमारा डबल क्रोशे बना के हो गया। अब हम हमारा इंक्रीज फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी रो की स्टार्टिंग में हमने दो सेट बनाए थे, तो अभी हमारे को ये साइड में चार सेट बनाने पड़ेंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम दो डबल क्रोशे से, एक दो, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, फिर दो डबल क्रोशे, दो, फिर एक, फिर से एक, फिर दो, फिर एक और फिर एक लास्ट डबल क्रोशे। अब हम हमारी रो को एंड कर देंगे। अब हम बनाएंगे चेन टू। तो यहाँ पे हमारा बेस बन के हो गया है रेडी। ओके, अभी हम हमारे हाइट बनाना शुरू करेंगे बैक का। तो देखो, जो हमारी फर्स्ट रो रहेंगी ना, वो कब, देखो ये हमारी है सामने की फ्रंट चेन और ये है बैक चेन। तो हमारी जो फर्स्ट रो रहेंगी ना, वो हमेशा बैक चेन में बनेंगी। ओके, तो हम देखते हैं, देखो 1, 2 और ये बैक साइड 3, तो ये थर्ड साइड में हमारी रो बनेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा फर्स्ट डबल क्रोशे। अभी हम इसी तरह पूरी रो में बैक साइड पे डबल क्रोशे बनाएंगे। 2, 3, तो आप इसी तरह पूरी रो में बनाइए। मैं आपसे ये रो की एंडिंग में मिलती हूँ।
ओके, तो हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब हम उसे एंड कर देंगे। देखिए हमारा थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है। अगर हम हमारी चेन पर बनाते थे तो ये हमारा बेस का ऐसा लुक नहीं आता था। तो हमेशा फर्स्ट रो बैक साइड ही बनाना। ओके, चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रो हमारी हम नॉर्मल जैसे हम चेन में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इस रो में हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे पूरी रो में। हम ऐसे टोटल 14 रोज बनाएंगे हमारी फर्स्ट रो को इंक्लूड करके। ओके, तो मैं आपसे 14 रोज कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। तो ये हमारी 14 रो कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। अभी हम हमारी 15 रो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ना इसे इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दिया। तो मेरी टोटल 78 चेन्स थी तो मैंने 39 पे लगाया। ओके, अभी हम हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे चेन 2 से। फिर हम हमारी फर्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2, 3, 4 and 5। अभी हम दो चेन बनाएंगे और नीचे की दो स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अभी हम फिर से दो चेन बनाएंगे और नीचे की दो चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे 1, 2 and 3। अगेन दो चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दो चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में अगेन डबल क्रोशे 1, 2, 3, 4
एंड लास्ट 5। अभी हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया, हम अभी दूसरे साइड भी ऐसे ही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। 1, 2, 3, 4 and 5। दो चेन बनाएंगे, दो चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दो चेन स्किप और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। 1, 2, 3, दो चेन स्किप और नेक्स्ट चेन में अगेन डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दो चेन स्किप और अगेन डबल क्रोशे थर्ड चेन में। 1, 2, 3, 4 and last 5। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई, अब हम इसी रो को एंड कर देंगे। चेन टू, अब हम हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रो में अगेन हम पूरी रो में डबल क्रोशे बनाएंगे हर चेन में। तो मैं आपसे इस रो की एंडिंग में मिलती हूँ।
तो ये हमारा बैग बनके रेडी हो गया। अब हम उसके लिए डोरी बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग नॉट बांधेंगे, फिर हम इस तरह एक चेन बनाएंगे। अब हम ध्यान से जो हमारा धागा है उसको इस तरह बैक साइड से लेंगे, और जो हमारा सेकेंड लूप है हम उसके अंदर एक चेन बनाएंगे। फिर हम आहिस्ता से ये लूप में से क्रोशा निकालेंगे, फिर हमारा फर्स्ट लूप में हम चेन बनाएंगे, फिर अगेन वो लूप में क्रोशा डालेंगे और फिर सेकेंड लूप में चेन बनाएंगे, फिर सेकेंड लूप से निकालेंगे और फर्स्ट लूप में। इस तरह हम कंटिन्यू करेंगे, एक चेन सेकेंड लूप में और एक चेन फर्स्ट लूप में, सेकेंड लूप में एक चेन, फिर उसमें से निकालेंगे और फिर फर्स्ट लूप में एक चेन बनाएंगे। हम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, पहले सेकेंड लूप एंड अगेन फर्स्ट लूप। इसको ना बहुत आहिस्ता और संभाल के करना, वरना ये खुल जाएगा। वैसे थोड़ा टफ है, बट अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए, इसका ऐसा लुक आता है। तो ये हमारी डोरी बहुत प्यारी लगेंगी उस पर जब हम बनाएंगे। तो आप हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, मैं आपसे ये डोरी के एंड में मिलती हूँ। ओके, तो मेरी डोरी बन के रेडी हो गई। मैंने टोटल 30 इंचेस लंबी डोरी बनाई है। ओके, अभी हम इसे एंड कर देंगे। इसे कट कर देते हैं और अभी हमारी डोरी रेडी हो गई। अब जो हमारा बचा हुआ धागा है उसको हम इस तरह क्रोशे की मदद से हमारी चेन के अंदर साइड में डाल देंगे। अभी हम हमारा बैग लेकर इस डोरी को बैग में डालेंगे। तो हमारा जो मिडिल पार्ट है उसमें से हम डालना शुरू करेंगे। साइड्स में, बैक साइड में, फिर साइड से लेकर ये अगेन फ्रंट में आ गया। अभी हम दोनों कॉर्नर्स पर एक नॉट बांध लेंगे ताकि वो निकले ना। तो ये हमारा बैग का बेस बन के रेडी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आगे का बैग हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।